ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझ रहे हैं कि नया कानून जो किसानों के लिए बनाया गया है उसका नुकसान सिर्फ किसान को होगा। जी नहीं, आप गलत हैं। अब मैं आपको समझा दूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। केवल एक सेक्शन बताता हूं जिससे आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की धारा 3, उसमें जो है, जो एग्रीमेंट होगा किसान और व्यापारी के बीच में, मैं उसके बारे में बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। उसके बाद कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस धारा 3 में लिखा है कि किसान और व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट होगा, उसमें ये लिखा जाएगा, नंबर 1, किसान को अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगानी होगी, नंबर 2, उस फसल का ग्रेड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा और उसकी क्वालिटी क्या होगी, नंबर 3, उस फसल को उगाने के लिए जो बीज होगा, जो खाद होगा, जो कीटनाशक होंगे, जो मशीनरी होगी, जो तकनीक होगी, उसे वो व्यापारी जिसके साथ समझौता हो रहा है वो देगा। उसके बाद उसी एग्रीमेंट पर लिखा जाएगा उसकी कीमत क्या होगी, जो फसल उगाएगा जब फसल पक के तैयार हो जाएगी तो किस कीमत पर व्यापारी खरीदेगा, ये भी लिखा जाएगा। साथ में ये भी लिखा जाएगा कि इस फसल की कितनी बार चेकिंग होगी, तो बोते समय जब फसल बढ़ रही होगी उस समय, और जब फसल कट के व्यापारी खरीदेगा उस समय, 3 समय उसकी चेकिंग होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत मोटे से उदाहरण से, समझो। ये मानिए कि इस कानून के हिसाब से पूरे देश की जमीन, पूरे देश के जो किसानों के पास जमीन है उसका जो व्यापारी है उनसे एग्रीमेंट हो गया। व्यापारियों से एग्रीमेंट होने के बाद सारी जो फसल है वो कहाँ जाएगी, व्यापारी के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं बचेगा, सारी की सारी फसल व्यापारी खरीद के ले जाएगा। और व्यापारी कितनी फसल खरीद सकता है, पहले उस पे प्रतिबंधता थी, अब आवश्यक पशु अधिनियम से वो बैरिकेड हटा दिए गए हैं, यानी कि जो एक लगा रखा था बैरियर कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते, लिमिट लगा रखी थी, लिमिट को खत्म कर दी। इसका मतलब व्यापारी जितनी चाहे फसल खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है। अब मानिए कि पूरी फसल किसान से व्यापारी के घर चली गई, तो आप थोड़ा सा पीछे आइए, 2013 में इस सरकार ने संसद में कानून बनाया था इस देश के गरीब लोगों के लिए, 82 करोड़ गरीब लोगों के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देना था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अब समझिए, आप सब कुछ जब सारा अनाज व्यापारियों के पास चला गया, सरकार के पास कुछ नहीं है, तो सरकार इन 82 करोड़ लोगों को कहां से अनाज दिलाएगी, पहले तो ये बताएं। इसका मतलब जो 82 करोड़ गरीब सरकार की मदद पर निर्भर था वो खत्म हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ बिल है, किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ लोग समझ रहे हैं, नहीं, ये पूरे देश के खिलाफ है। इससे 82 करोड़ गरीब खत्म, देश में 5 लाख जो राशन की दुकानें हैं वो भी खत्म, 5 लाख राशन की दुकानों में कुछ रोजगार भी मिलता होगा वो भी खत्म। अब इसके बाद आप आ जाइए कि जब किसान को सारी चीजें, जो खाद भी है, बीज भी है, कीटनाशक भी है, मशीनें भी हैं, तकनीक भी है, वो व्यापारी जिससे समझौता हुआ है वो ही देगा। तो जो व्यापारी ये काम करते हैं, कोई खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई मशीन बेचता है, तो कोई कीटनाशक बेचता है, वो व्यापारी भी खत्म। तो आपने व्यापारी खत्म कर दिए, गरीब मजदूर खत्म कर दिए, और किसानों को आपने बंधक बना दिया, मजदूर बना दिया, गुलाम बना दिया। कैसे? अब मैं बताता हूँ, जब किसान की जमीन पर एग्रीमेंट हो गया तो किसान चाहकर भी अपनी जमीन में मानो मक्का बोए हुए है, मक्के से एक बोटा तोड़ के नहीं खा सकता। आज की तारीख में तो खेत में जाओ और एक नहीं, 10, 20, 50 जितने बूटे तोड़ के खाने हैं खाओ, खूब सेक के रिश्तेदारों को भी ले जाओ। साथ में गन्ना अगर बो रखा है, एक गन्ना नहीं खा सकता, क्यों? क्योंकि व्यापारी से समझौता है, अगर एक गन्ना टूट लिया तो फिर उसके बाद व्यापारी से लड़ते रहो, आप SDM के यहाँ, ADM के यहाँ। मतलब ये है कि अपनी ही जमीन पर किसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अगर मन करता है, जो फसल किसानों ने उगाई है, किसानों की मेहनत है, उसमें से एक दाना नहीं ले सकता। ऐसे कानून का क्या करेगा किसान? और इस कानून ने व्यापारी खत्म कर दिया, इस कानून ने मजदूर खत्म कर दिया, और साथ में जो किसान है, किसान को इतनी भी मोहलत नहीं दी गई। आज की तारीख में तो किसान किसी भी जगह से दूर जाकर, यहाँ से ठीक नहीं मिला तो वहाँ से ले, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ से ले, यहाँ से कम नहीं मिला तो यहाँ से ले, खाद और बीज अपनी मर्जी से ले सकता है, इसके बाद नहीं, इसके बाद तो व्यापारी ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कि चंद व्यापारियों के हाथ में पूरा देश जाने वाला है, और जब व्यापारी के साथ में समझौता हो गया
तो कोई भी बैंक किसान को लोन नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसे पैसे चाहिए किससे लेगा, एक ही रास्ता बचा है, उस व्यापारी से। तो सरकार कहती है कि जमीन नहीं जाएगी, तो ऐसे जाएगी जमीन, और उसी व्यापारी से जब वो कर्जा लेगा, धीरे धीरे कर्जा बढ़ता चला जाएगा और कर्जा बढ़ता चला जाएगा, व्यापारी का ब्याज बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा जो किसान है अपनी ही जमीन उस व्यापारी को बेचने पर मजबूर हो जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको ले जाता हूँ 1947 से पहले। उस समय क्या था, इस देश में जो साहूकार होते थे वो ऐसे ही करते थे, किसान को पैसा दिया, वो पैसे पे इतना ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज किसान की पीढ़ियां गुजर जाती थी, कर्ज नहीं उतरता था, और सारी जमीन जो है वो साहूकार के यहाँ पे चली जाती थी। मदर इंडिया और धर्मेंद्र जी की गुलामी जैसी फिल्में देखे आप, और अगर पढ़ना हो तो गोदान पढ़ो मुंशी प्रेमचंद जी की। पहले वो अपनी ही जमीन पर बंधवा मजदूर बनेगा, उसके बाद में अपनी ही जमीन बेच जाएगा। ये है इस कानून का परिणाम जो आगे तक नजर आता है। इसलिए ये कानून पूरे देश को तबाह करने वाला है। अब एक चीज और रह गई, उसे भी बता दूं। जो मध्यम वर्ग के लोग जो आज रोटी खा रहे हैं, जब व्यापारी सारा अनाज अपने गोदामों में बंद कर लेगा, तो वो जो आज उसने लिया जिस दाम पे उससे 6 गुना 7 गुना 8 गुना दाम पर बेचेगा, तो जो मध्यम वर्ग के लोग जो घरों में बैठे हैं उनको इस आंदोलन में बाहर आना चाहिए। जो अनाज ये आटा 20 रुपए से 25 रुपए 30 रुपए किलो मिल रहा है, वो ही इस कानून के लागू होने के बाद वो आटा वो अनाज उन्हें 50 से 6 गुना दाम पर मिलेगा, 100 रुपए 125 रुपए 150 रुपए किलो मिलेगा। तो असर किस पे पड़ेगा, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिस पर इस कानून का असर ना पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये किसानों के विरोध में नहीं है, देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आप किसानों का साथ नहीं देते हैं तो आगे आपकी मर्जी।